है नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द बिग बुल 420 पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर डेली एक मार्केट एनालिसिस वीडियो लाते हैं जिसमें हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ स्टॉक्स के बारे में कि कल हमें मार्केट में किन अच्छे लेवल्स पर अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दो यार। डेली हम मार्केट में आपके साथ लाइव में जुड़ते हैं तो आपको हमारे साथ जुड़ के काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं आज का मार्केट और बैंक निफ्टी ऑल ओवर कैसा रहा है। बैंक निफ्टी को थोड़े से अपन डे टाइम फ्रेम पर चल के समझने का ट्राई करें, चलते हैं डायरेक्टली डे टाइम फ्रेम पर क्या सीन चल रहा है बैंक निफ्टी। सो आज मार्केट का एक गैप अप ओपन रहा, मार्केट लाइक अप एंड डाउन रहा, एट द एंड मार्केट काफ़ी अच्छा नीचे आता हुआ मिला है। यहाँ अगर मार्केट को थोड़ा सा समझे अपन, सो समथिंग ये लेवल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट लेवल का रोल निभा गया। कौन सा वाला भैया, कौन सा लेवल? 41,685 वाला, 41,645 का लेवल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ नज़र आज हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आया है। लाइक मार्केट का आज का डे लो एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ बात करूँ इस प्रकार से मार्केट का डे लो लगा दूँ, समझिएगा ठीक है। सो अगर मैं ये दो लेवल्स लगा दूँ तो लाइक आपको यहाँ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, मार्केट पहले भी इस लेवल को देखो, इस लेवल को देखो, ये अपना पहले भी क्या रह चुका है, रेजिस्टेंस लग चुका है या पहले भी अपना क्या हो चुका है, सप्लाई हो चुका है। वहाँ से डाउन साइड के लेवल की बात करूँ तो ये क्या है और ये क्या है, ये क्या है, सपोर्ट है मार्केट का। और वहीं अगर बात करूँ तो यही अपना रेजिस्टेंस भी है पिछले दो दिन का। सो ये एक जोन की तरह अपने लिए काम कर रहा है, यहाँ ध्यान से देखिए ठीक है, यहीं से सप्लाई भी है यहीं से डिमांड भी है, आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। थोड़ा सा पीछे चलेंगे लेवल्स में, लाइक पीछे मतलब मार्केट में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इन लेवल को समझने का ट्राई करते हैं कि मार्केट किया क्या है। ओके लेवल्स यही है, थोड़ा सा मैं आपको क्लियरिटी के साथ ये लेवल्स लगा देता हूँ इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। समथिंग अगर अपन बात करें तो ये देखिएगा कितने का लेवल है, 41,180 मतलब 41,180 का लेवल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट लेवल यहाँ दिख रहा है। अगर मार्केट इसके नीचे निकलता हुआ दिखता है तो 41,000 का राउंड लेवल अपने को दिख जाएगा, जिसके साथ उसका ब्रेकडाउन होता है तो मैं आपको बताऊंगा, रुको अभी चिंता मत करो। ये मार्केट का एक मिड लाइन हाल फिलहाल में हमारे लिए हो रहा है। अगर मैं एक ट्रेंड लाइन इस प्रकार लगा दूँ यहाँ से, इस प्रकार समझ रहे हो ना, ये ट्रेंड लाइन क्यों लगाया, अभी हाल फिलहाल में ट्रेंड लाइन पे दो ही जगह रिस्पेक्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में मैं भी आपको ट्रेंड लाइन पे तीन जगह रिस्पेक्ट देखने को मिले। बाइंग करना है, बाइंग का एक सादा सा लेवल मैं आपको बता दे रहा हूं। ओके समथिंग आज का डे हाई और मैं इसे एज अ जोन कंसिडर कर रहा हूं यार मार्केट में, समथिंग ये वाला पूरा एक जोन बन रहा है अपने लिए ठीक है। सो अगर मार्केट ऊपर जाना है, सुनिएगा, तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो फिर ये पूरा लेवल एक बार ब्रेकआउट होना चाहिए। ये लेवल कितने का बन रहा है, 41,678 का एक लेवल हाल फिलहाल का आज का डे हाई है। इसको ब्रेकआउट करने के बाद अपन मार्केट में एक सी पोजीशन का सोचेंगे, तब तक के लिए मार्केट में सीज को छोड़ेंगे। मार्केट कर क्या रहा है थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि मार्केट वाकई में क्या काम कर रहा है। ओके सो अगर मार्केट क्या करता है, पुट साइड मूवमेंट अगर हमें मार्केट में देखना रहेगा तो अपन वेट करेंगे 41,180 के लिए, 180 के लिए पुट साइड के लिए हमें ये लेवल का इंतजार करना रहेगा। इंपॉर्टेंट लेवल है, इस लेवल के ब्रेकडाउन के साथ ये ट्रेन लाइन भी टूटेगा जो कि पहले कुछ दो दिनों का समथिंग जो है यहाँ पे क्या बन चुका था, सपोर्ट बन चुका था। सो ये इंटरेस्टिंग लेवल है, याद रखिएगा 41,180 मार्केट नीचे जाता है मार्केट में एक सेलिंग आ सकता है। अपर साइड में क्या है, थोड़ा रिस्की है काम, लेकिन उसके बाद भी अपर साइड में वापस रिपीट करके बता रहा हूँ मैं आपको, 41,680 समथिंग के लेवल से 41,680 के ऊपर निकलता है जो कि आज का डे हाई है, तो उसके बाद अपन कुछ प्लान करेंगे सी साइड का, तब तक के लिए मार्केट में इंतजार करेंगे। इसके बाद अपन चलते हैं डायरेक्टली निफ्टी को समझ लेते हैं, निफ्टी क्या बोल रहा है। ओके सुपर, निफ्टी को डे टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूं मैं आपके साथ, डे टाइम फ्रेम पर निफ्टी करके आ रहा है। सो अगर अपन यहां देखें मार्केट में तो निफ्टी बहुत एक छोटी सी रेंज में फंस चुका है यार। सबसे पहले तो ये रेंज मैंने आपको बताई है ठीक है, उसके बाद निफ्टी का हाल फिलहाल का ये रेंज बन चुका है और यही एक मार्केट का रेंज है, समझिएगा
ये अगर निफ्टी के लेवल से देखूं तो मैं इन्हीं हाल फिलहाल में ये निफ्टी का रेंज बन चुका है या बन सकता है आने वाले टाइम में, हो सकता है निफ्टी इन्हीं लेवल्स में कंसोलिडेशन दे दे। यहां देखोगे अपन एक हथौड़े जैसा दिख रहा है, यहां देखेंगे एक उल्टे हथौड़े जैसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? उल्टे हथौड़े जैसा दिख रहा है। सो लाइक मार्केट क्या है, कंफ्यूज है, मार्केट को करना क्या है। हाल फिलहाल में मार्केट सिर्फ एक कंसोलिडेशन फेस में, इससे ज्यादा अपन कुछ भी नहीं अनुमान लगा पाएंगे मार्केट में। थोड़ा 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं और ये सारे लेवल्स को अंडरस्टैंडिंग में लाते हैं यार। ओके सो ये लीजिए, सारे लेवल्स एक बार क्लियर कर देता हूं मैं। देखिए निफ्टी का आज का सीन थोड़ा समझने का ट्राई करेंगे। तो निफ्टी का सबसे पहला तो ये एक लेवल है, इंपोर्टेंट लेवल है ये वाला, ठीक है समथिंग। ये लेवल हमारे लिए निफ्टी का इंपोर्टेंट है। अगर निफ्टी क्या करता है, समथिंग जो है 17,945, कितना 17,945। और थोड़ा सा ऐसे में थोड़ा सा प्रीवियस लेवल्स के अकॉर्डिंग नहीं आज के डे को, क्योंकि भैया अभी के प्राइस एक्शन को 100% अपनों को रिस्पेक्ट देना है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ देखूँ तो निफ्टी कौन से लेवल से रिटर्न हो रहा है समथिंग बार बार, ओके अभी का एक लेवल निकल के आ रहा है 19,000, नोट डाउन कर लीजिएगा 17,925 के ऊपर मार्केट निकलता है, उसके बाद सी पोजिशन में अपन सोचेंगे। तब तक के लिए मार्केट में अपन क्या करेंगे, इंतजार करेंगे मार्केट में, पेशेंस रखेंगे मार्केट में कॉल साइड, तब तक के लिए अपन एंट्री का नहीं सोचेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रख लेंगे, नुकसान कुछ नहीं है। उसके बाद एक लेवल हमारे लिए आ रहा है समथिंग, कितने का हो रहा है भैया, ठीक है ये लेवल आप नोट डाउन कर लीजिएगा जल्दी से, 17,745। अरे यार थोड़ा मेरा पेन भी प्रॉब्लम कर रहा है, माफ कीजिएगा आज पेन टैब भी मेरा प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ जी 17,000, देखो पेन गायब हो रहा है ना, 17,750, कितना 17,750, 17,750 का लेवल है ये। अगर मार्केट में अपनों को ब्रेकडाउन होता हुआ मिलता है तो इसके नीचे अपन एक पुट का पोजीशन का सोचेंगे। तब तक के लिए मार्केट अगर आज के पूरे इसी रेंज में खुल जाता है, कौन से वाले 17,750 से 17,920 समथिंग, मतलब अराउंड 175 पॉइंट्स के अंदर है। सो इसके अंदर अपन मार्केट को थोड़ा सा अवॉइड करने का ट्राई करेंगे, थोड़ा सा रुक जाएंगे मार्केट में, कोई नुकसान नहीं है अपना, समझदारी उसी में हो जाएगी कि मार्केट में अपन थोड़ा पेशेंस रख लें। ओके सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ यार आपका एक महत्वपूर्ण आपका लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब बनता है, इस पर कमेंट आ जाना चाहिए यार वीडियो पे कि आपको वीडियो कैसा लगा है। आई होप गाइस आपको मेरे साथ जुड़ के मजा आया होगा। मिलते हैं यार मार्केट में कल मॉर्निंग में लाइव में, कितनी बजे मिलना है आपको पता है ना, मॉर्निंग में 9 बजे से 3:30 बजे तक आपके साथ लाइव में जुड़ते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, मिलते हैं कल मॉर्निंग में लाइव में।